हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। दिस इज़ सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, ईपीएफओ के लिए, एनडीए बैंकिंग के लिए बेनिफिशियल है। आइए आज का इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं कौन सा है। आज जो डे है वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है आज के दिन 15 अप्रैल को। एम जो है कि सेलिब्रेट करना, जैसे फाइन आर्ट रहता है, डिक्लेयर जो किया गया था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट के द्वारा, प्रमोट करता है इसको, जैसे क्रिएटिव एक्टिविटी की जाए वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टर्बन डे। टर्बन यानी कि जो पगड़ी रहती है सिर पे, उसके रिगार्डिंग ये इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है रिलेटेड टू टर्बन। टर्बन से रिलेटेड अगर बात करें तो इंटरनेशनल टर्बन डे 13 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है 2004 से। ये स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट रहती है सिख रिलीजन में टर्बन को पहनना, ये मैंडेटरी पार्ट रहता है इस रिलीजन का। 2021 में जो टर्बन डे है वो मार्क किया गया है 552 बर्थ एनिवर्सरी श्री गुरु नानक देव जी की, एंड जो विसाखी फेस्टिवल है उसके बेस पे। टर्बन को कुछ और नाम से भी जाना जाता है, जैसे दस्तार, पगड़ी, पग। ये रेफर करती है गारमेंट वॉर्न बाय, ये मैन भी इसको प्रेफर करते हैं और वुमेन भी। नेक्स्ट है इंडियन राइनो विज़न 2020। जो इंडियन राइनो विज़न 2020 है, ये प्रोग्राम जो देखने को मिला है क्लोज टू द रिसेंट ट्रांसलोकेशन जो देखने को मिली टू राइनोस की, मानस नेशनल पार्क जो असम में है। 8th राउंड है इसका राइनो ट्रांसलोकेशन का अंडर इंडियन राइनो विज़न 2020 के अंडर। इसको लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम 2005 में। इंडियन राइनो विज़न 2020 जी एम्बिशियस एफर्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट का अटेन करने के लिए जो वाइल्ड पॉपुलेशन है राइनोस की, एटलीस्ट 3000 ग्रेटर वन ऑन राइनो जो गैंडा रहता है उसके बारे में बात हो रही है। ओवर 7 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इंडियन स्टेट असम में। 2020 में इसको रेफर किया गया। 7 जो प्रोटेक्टेड एरियाज है असम में, काजीरंगा है, पोबितोरा, औरंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बुराच्छा पोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिब्रू साइकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ट्रांसलोकेटेड राइनो ये हेल्प करता है मानस नेशनल पार्क में, जैसे बैक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको स्टेटस भी दिया गया था 2011 में। 3 स्पीसीज है राइनो की एशिया में, जैसे कि ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जावान, सुमात्रा। इनकी जो पॉपुलेशन है काफ़ी डिक्रीज हुई है पोचिंग के चलते, यानी कि इनका शिकार काफ़ी ह्यूज तौर पे किया जा रहा है। हैबिटेट इनका लॉस देखने को मिला, क्योंकि जंगलों में रोड बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है। 2 ग्रेटेस्ट थ्रेट है सर्वाइव जो कर रहे हैं ये एशिया के राइनोज। 5 राइनो रेंज नेशन है, जैसे कि इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया। इन्होंने साइन किया डेक्लरेशन, द न्यू दिल्ली डेक्लरेशन ऑन एशियन राइनो 2019 का, कंजर्व करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए राइनो की स्पीसीज। अगर जावन एंड सुमात्रा राइनो की बात करें, ये क्रिटिकली एंडेंजर है। ग्रेटर वन हॉर्न जो राइनो है, इंडियन जिसको बोला जाता है राइनो जो है, ये वल्नरेबल अंडर है, अंडर IUCN रेड लिस्ट के अंडर इसको रखा गया। IUCN की फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ग्रेटर वन हॉर्न जो राइनो है लिस्टेड है अंडर शेड्यूल फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर। अगर इंडिया की बात करें तो राइनो जो है वो मेनली फाउंड किया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, औरंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क असम, जल्दपरा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, दुधवा टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में। इन सब रीजन में राइनो की जो पॉपुलेशन है वो पाई जाती है। नेक्स्ट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए गए हमारी इंडियन पॉपुलेशन के द्वारा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं, यानी कि वेंकैया नायडू जो हैं, इन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं इस फेस्टिवल से रिलेटेड। जो फेस्टिवल हैं वो चेतरा, सुकलड़ी, गुड्डी पड़व, उगदी, छेती चंद, वैसाखी, विशु, पुथंदू एंड बोगाग बिहू,
ठीक है, ये सारे फेस्टिवल्स हैं। इसी उपलक्ष्य पे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू जी, इन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं इंडिया के लोगों को। ये जो फेस्टिवल है ये स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा देखे जाते हैं, जो मार्क करते हैं जो बिगनिंग रहती है ट्रेडिशनल न्यू ईयर की इंडिया में। पहले तो चैत्रा शुक्लडी की बात करते हैं, ये बिगनिंग है इस फेस्टिवल की न्यू ईयर की विक्रम सांवत के उपलक्ष्य पे। इसको बोला जाता है वैदिक कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर भी बोला जाता है। विक्रम सांवत जो थे ये बेस थे इस डे से रिलेटेड, जो एम्परर विक्रम आदित्य हैं इन्होंने डिफीट किया था शाकास को, जिसने उज्जैन पे हमला किया था, तब से ही न्यू एरा इसको स्टार्ट किया गया इनके द्वारा। नेक्स्ट है गुड्डी पर्व एंड उगदी, ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन जो लोगों के द्वारा, स्पेशली डेक्कन रीजन में। इसमें इंक्लूडेड है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड ऑल्सो महाराष्ट्र। इस फेस्टिवल में गुड्डी का मतलब क्या रहता है, डॉल। डॉल प्रिपेयर की जाती है महाराष्ट्रियन होम्स में। उगदी का मतलब है डोर्स के, डोर्स जो रहते हैं होम पे, घरों के जो दरवाजे रहते हैं वहाँ पे मैंगो के लीफ डेकोरेशन के तौर पे लगाए जाते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में भी जैसे पूजा वगैरह रहती है तब भी इसको शुभ माना जाता है जो मैंगो के लीव्स हैं उसको लगाना, लाइक तोरण, तोरण इन कन्नड़ में बोला जाता है। छेती चंद सिंधीज में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, न्यू ईयर छेती चंद इसको एज ए डेजिग्नेट किया जाता है। चैत्रा मंथ इसको छेठ इन सिंधी में बोला जाता है। ये डे जो है ये किसकी यादगिरी में सेलिब्रेट किया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी झूलेलाल जो हैं, जो पैट्रन सेंट हैं सिंधीज के। नवरे, नवरे लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है कश्मीर रीजन में। ये फॉल करता है फर्स्ट डे ऑफ चैत्र नवरात्रि। वैसाखी, वैसाखी जो है नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी ह्यूज तौर पे सेलिब्रेट की जाती है, स्पेशली पंजाब स्टेट में ये ऑब्जर्व की जाती है हिंदू और सिख रिलीजन के द्वारा। बिगनिंग रहती है हिंदू सोलर न्यू ईयर की, कोमेमोरेट याद किया जाता है जैसे खालसा पंथ की स्थापना की गई थी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा 1699 में, वैसाखी वाले दिन ही। नेक्स्ट जो फेस्टिवल है विशु, विशु जो है हिंदू फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है केरला स्टेट में, तमिलनाडु रीजन में, कर्नाटका में, माहे डिस्ट्रिक्ट जो रहती है यूनियन टेरिटरी जो है पौंडीचेरी की, नेबरिंग जो एरियाज़ है तमिलनाडु डायस्पोरा कम्युनिटीज़ के द्वारा। पुथांडू जो है इसको पुथु वरुधम और तमिल न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो फेस्टिवल है ये डे है तमिल कैलेंडर के हिसाब से ट्रेडिशनली सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल। बोहांग बिहू जो है, बोहांग बिहू और रंगोली या रोंगली बिहू ऑल्सो कॉल्ड यात बिहू, सेवन बिहूज के नाम से इसको जाना जाता है, ट्रेडिशनली एब ओरिजिनल एथनिक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है असम स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0। रिसेंटली गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग जो है उसने एनर्जी इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0 को लॉन्च किया है। नीति आयोग ने लॉन्च किया था 1.0 वर्जन मई 2017 में। ये प्रोवाइड करवाता है सिंगल विंडो एक्सेस एनर्जी डाटा फॉर कंट्री। इनिशियल स्टेप है ये टूवर्ड बिल्डिंग कॉम्प्रीहेंसिव ओपन फ्रीली एक्सेसिबल एनर्जी डाटा पोर्टल रहेगा इंडिया का। एनर्जी डाटा जो पब्लिश और प्रोवाइड करवाया जाता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये कंपाइल करती है इस डैशबोर्ड को। इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड जो प्रोवाइड करवाता है टाइम सीरीज डाटा है फाइनेंशियल ईयर 2005-06, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक। इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड प्रोवाइड करवाएगा डाटा जो रहता है सब ईयरली फ्रिक्वेंसीज एज वे। इसमें इंक्लूडेड रहेगी मंथली डाटा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लिंक करेगा डाटा के साथ फ्रॉम सम पोर्टल्स जो मेंटेन किए जाएंगे गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा। एपीआई जो है ये लिंक करती है डाटा फ्रॉम सौभाग्य स्कीम जो है, उजाला स्कीम, प्रपति स्कीम, विद्युत प्रवाह स्कीम जो इनकॉर्पोरेट की गई इन डैशबोर्ड्स में। सौभाग्य स्कीम की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना इसकी फुल फॉर्म है। सौभाग्य जो लॉन्च की गई थी सितंबर 2017 में लॉन्च की गई, टारगेट था इसका कि जितने भी हाउस होल्ड है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाए 2018 तक। जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने डिक्लेयर किया सौभाग्य पोर्टल को विलिंग अन इलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड, डिक्लेयर किया गया इलेक्ट्रीफाइड
31 मार्च 2019 में एक्सेप्ट 18,734 हाउस जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट थे, इसको छोड़ के जो अफेक्टेड एरिया है छत्तीसगढ़ में। उजाला स्कीम की अगर बात करें तो उजाला की फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, मतलब एलईडी जो बल्ब हैं वो प्रोवाइड करवाना ज़ीरो ग्राउंड लेवल पे, ज़ीरो सब्सिडी स्कीम इसको माना जाता है, जो लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में। इसका जो टारगेट है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटनिंग प्रोजेक्ट माना जाता है वर्ल्ड का। प्रपत्ति की अगर बात करें तो ये वेब पोर्टल है जो लॉन्च किया गया 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। प्रपत्ति की फुल फॉर्म है पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्यूरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर्स, ठीक है। विद्युत प्रवाह की अगर बात करें तो ये एक मोबाइल और वेब ऐप है जो प्रोवाइड करवाता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन, जैसे करंट डिमांड रहती है, शॉर्टेज रहती है, पावर अवेलेबल है या नहीं, प्राइसेस जो रहेंगे इन पावर एक्सचेंज में। ई संता क्या है, ये रिसेंटली ही यूनियन कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर के द्वारा इनोग्रेट किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ई संता। ये कनेक्ट करता है एक्वा फार्मर्स जो रहते हैं एंड दी बायर्स। एक्वा फार्मर्स क्या, जो फिशरी से रिलेटेड जो है, ठीक है। टर्म जो है ई संता, ये एक वेब पोर्टल है, इसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर एग्यूमेंटिंग नाकसा फार्मर्स ट्रेड इन एक्वा कल्चर। ई संता जो है डिजिटल ब्रिज है मार्केट में, ये डिवाइड करने का काम करता है, अल्टरनेटिव मार्केट टूल है बिटवीन फार्मर्स और बायर्स के बीच में, ठीक है। फार्मर्स जो हैं वो डायरेक्टली अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बायर्स को बेच सकते हैं, मिडल मैन इसमें कोई नहीं होगा, इसमें मिडल मैन जो है एलिमिनेट किया गया है। फार्मर्स जो है वो फ्रीली अपने जो प्रोड्यूस की हुई चीज़ें हैं उसको अच्छे प्राइस में बेच सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्टर जो है फ्रीडम टू लिस्ट रिक्वायरमेंट, प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल रहेगा अलग अलग लैंग्वेजेस में रहेगा, ठीक है, ताकि फार्मर्स को हेल्प मिल सके, वो समझ सकें इस कि इसमें क्या क्या बताया जा रहा है, किस किस बेसिस पे वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। हेल्प करेगा ये लोकल पॉपुलेशन की, ख़ास तौर से ई संता ये रेज करेगा इनकम, लाइफ स्टाइल, सेल्फ रिलायंस, क्वालिटी लेवल, ट्रेसेबिलिटी, प्रोवाइड करवाएगा न्यू ऑप्शन एक्वा फार्मर्स को, जैसे रिड्यूसिंग रिस्क है उसको कम करेगा, अवेयरनेस जो रहेगी प्रोडक्ट और मार्केट की, इंक्रीज करेगा फार्मर्स की इनकम, शेल्डिंग अगेंस्ट रॉन्ग प्रैक्टिस, ईज ऑफ प्रोसेसिंग, ताकि जो बिजनेस रहेगा वो इजी रहेगा इनके लिए, कैशलेस चीज़ें देखने को मिलेगी, कॉन्टैक्टलेस देखने को मिलेगी, पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बिटवीन फार्मर्स और एक्सपोर्टर के बिटवीन। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर की अगर बात करें तो एक्सटेंशन आर्म ऑफ मैरीन प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। ऑब्जेक्टिव जो है नाकसा का, ये एनकरेज करना और अपलिफ्ट करना स्मॉल जो और मार्जिनल फार्मर्स है थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लस्टर। नेक्स्ट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021। स्पेनिश एक सिटी है सेविली, इसने होस्ट किया है 22nd लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, वर्चुअल सेरेमनी देखने को मिली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत बिकॉज ऑफ COVID-19 पैंडमिक की वजह से। विनर जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के सिलेक्टेड किए गए एक जूरी के द्वारा 69 मेंबर्स थे इसके, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अकेडमी के। लास्ट जो है जो ये अवार्ड दिया गया 2007 में दिया गया बार्सिलोना में, काफ़ी लंबे समय बाद इसको अब डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे बिग नेम्स निकल के आए जिनको ये अवार्ड दिया गया, वो थे राफेल नडाल, लुइस हैमिल्टन, ली ब्रॉन जेम्स, रॉबर्ट लिवांडोस्की स्पोर्ट्समैन है ये, नोमामी ओसाका, ठीक है, स्पोर्ट्स वूमेन, इन पर्सनैलिटीज़ को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है हॉकी प्लेयर बलबीर सिंह जूनियर पास्ड अवे, रिसेंटली इनकी डेथ हुई। ये इन्होंने सिल्वर मेडल विन किया था 1958 एशियन गेम्स में इंडियन हॉकी टीम में। 1962 में इन्होंने ज्वाइन किया आर्मी को एमरजेंसी कमीशन ऑफिसर एज, इन्होंने प्ले किया एक सर्विसेज हॉकी टीम का एक अहम रोल नेशनल टूर्नामेंट जो थी दिल्ली में हॉकी से रिलेटेड। ये रिटायर हुए एज अ मेजर 1984 में, फिर ये सेटल हो गए चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको दिया गया, इंडिया
सीमेर भुवनेश्वर कुमार को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा गया। रिसेंटली ही लिमिटेड ओवर सीरीज अगेंस्ट थी इंग्लैंड के खिलाफ मार्च में, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। भुवनेश्वर जो है बिकेम थर्ड सक्सेसिव इंडियन रेसिपेंट्स हैं जिनको अभी ये अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अगर बात करें ICC की, ये वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की। फॉर्मेशन इसका किया गया 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। मेंबरशिप जो है 105 मेंबर कंट्रीज इसकी पार्ट हैं। चेयरमैन जो है ग्रीक बैड के और CEO मनु साहनी हैं जो इंडियन पर्सनैलिटी हैं। नेक्स्ट है सिद्धार्थ लोंगजैम को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू नाडा DG। नाडा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। एक वर्ल्ड लेवल पे भी होती है जिसको वाडा बोला जाता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका काम क्या रहता है? बेसिकली जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ठीक है, वहाँ पे इसका कंट्रोल होता है, ठीक है, ये निगरानी रखने का काम करता है। IAS ऑफिसर सिद्धार्थ सिंह लोंगजैम, इनको न्यू DG अपॉइंट किया गया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का। लोंगजैम जो है करंटली सर्व कर रहे थे ज्वाइंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, ऑल्सो CEO थे ये करंटली सस्पेंड किए गए नेशनल डोप टेस्टिंग लेबॉरेटरी में। इन्होंने रिप्लेस किया नवीन अग्रवाल को। नेशनल डोपिंग एजेंसी जो है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है प्रमोट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए डोपिंग कंट्रोल को, जो प्रोग्राम है स्पोर्ट्स का ऑल फॉर्म इन इंडिया। CEO जो हैं इसके नवीन अग्रवाल हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, फाउंडेड 24 नवंबर 2005। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी पूरी कि आपके जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। PDF के लिए इस लेक्चर की आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इस लेक्चर की PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। एंड अदर वीडियोज़ के लिए आप RP क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।